Good morning students. Welcome to science class. We are reading chapter 3. Today our topic is to read about types of soil. So you know how many types of soil are there? There are three types of soil. What are they? They are sandy soil, clay soil and loam soil. Loam ko aap loami bhi kya sakte ho or loam bhi kya Now what is sandy soil? सैंडल्स ऑयल इज़ मोस्टली फाउंड इन द डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान एंड ऑन द सी शोर सी शोर मीन्स जो कोस्टल एरियाज होते हैं न जहाँ समुद्री इलाका होता है वहाँ पर भी आपको ये सैंडी सॉइल देखने को मिलता है और हम यहाँ भी देख सकते हैं हमारे आस पास में अगर कोई खाली प्लॉट हो या रोड साइड भी इस तरह के गोल्डन ब्राउन कलर की जिसको जिनको हम बालू भी कहते हैं तो वो होती है सैंडी सोइल पार्टिकल्स आर बिग सन के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो थोड़े से बड़े होते हैं देर इज अट ऑफ एयर इन द स्पेस बिटवीन दीज पार्टिकल्स बिकॉज इसके जो पार्टिकल्स होते हैं इट्स बिग इन साइज सो वहाँ इसके अंदर बहुत सारी एयर होती है सैंडी सॉइल डज नॉट होल्ड मच वॉटर बाय बिकॉज इसमें एयर होती है तो वो वाटर को ज़्यादा अपने अंदर होल्ड नहीं रख पाता क्ले सॉइल अब क्ले सॉइल क्या होती है क्ले सॉइल इज स्टिकी एंड इज मोस्टली यूज फॉर मेकिंग पॉट्स एंड टॉयज ये क्योंकि स्टिकी सी होती है ना तो इसीलिए हम इसको पॉट्स बनाने के काम में लेते हैं टॉयज मिट्टी के जो खिलौने होते हैं वो क्ले पार्टिकल्स आर वेरी फाइन क्ले के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फाइन होते हैं देर इज मोस्ट देर इज नो स्पेस फॉर एयर बिटवीन द पार्टिकल्स उसमें कोई एयर नहीं होता क्यों क्योंकि वो होता ही बहुत फाइन है तो एयर कहाँ से रखेगा सो दिस सॉयल कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर इसीलिए जो क्ले सॉइल की जो मिट्टिया हो मिट्टी जो होती है ये पानी को बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखती है तो ये हो गया क्ले सॉयल अब लोमी सॉइल या लोम सॉयल कैसा होता है लोम इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले लोम सॉइल जो होते हैं ये सैंड सैंडी सॉइल और क्ले सॉइल का मिक्सचर होता है इट कैन होल्ड बोथ एयर एंड वाटर इट हैज अब आप, आप सोचोगे क्या होता होता है humus है जो डेड और डिकंग प्लांट्स जो होते हैं ना रोटिन पार्ट्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स फ्लोट ऑन टॉप दिस इज कॉल्ड यूमिस मिट्टियों में जो uh, सूखे पत्ते टूट के गिर जाते हैं मिट्टी में जो सूखे पत्ते टूट के गिर जाते हैं और कोई इंसेक्ट्स मिट्टी में मर जाते हैं तो जो वो उसके अंदर जो मिक्स हो जाते हैं ना मिट्टी में उसको हम ह्यूमस कहते हैं जो वो जो मिट्टी में डेड प्लांट्स लीव्स या इंसेक्ट्स मिक्स हो जाते हैं उस मिट्टी को हम ह्यूमस कहते हैं तो लोम सॉइल जो होते हैं जो कि मिक्सचर होता है सैंड एंड क्ले सॉइल का उसमें यूमस होती है लोम इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर प्लांट्स बिकॉज इट कंटेंस एयर वाटर एंड यूमस इसीलिए अगर हमें प्लांटेशन जब करना रहता है या फार्मिंग करनी रहती है तो जनरली हम लोम सॉइल को ही ज़्यादा यूज़ करते हैं यूमस मेक्स द सॉयल फर्टाइल और इसमें हम यूमस क्यों मिलाते हैं क्योंकि यूमस अगर किसी सॉयल में मिल जाता है तो वो उस को फर्टाइल कर देता है तो इससे हम जो भी प्लांटेशन या फार्मिंग करते तो वो बहुत अच्छे से होता है ठीक है नाउ सॉइल एंड क्रॉप्स सॉयल एंड क्रॉप्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रो बेस्ट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल अलग अलग टाइप के जो हम क्रॉप्स उगाते हैं उनको अलग अलग टाइप की सॉइल चाहिए होती है सम नीड सैंडी सॉइल वाइल सम नीड क्ले एंड अदर्स नीड लोम कुछ प्लांट्स को सैंडी सॉइल की जरूरत होती है किसी को लोमी सॉइल की किसी को क्ले सॉइल की गेट ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रो वेन मन्योर इज एडेड कोई भी सॉयल में अगर आप मनोर ऐड कर देते हो जिनको हम खाद कहते हैं वो अगर आप सॉइल में ऐड कर देते हो तो वो सॉइल ही बेस्ट सॉइल हो जाता है बिकॉज मनीोर कैन कंटेन्स एनिमल्स ड्रॉपिंग्स लाइक काउडंग एंड डेइंग लिप्स मनीोर क्या होता है मनीोर होता है जो एनिमल ड्रॉपिंग्स काउ डंग जो काउ की जो डंग होती है या डिकेइंग लिप्स टूटे हुए सड़े हुए पत्ते जो होते हैं मनूर इज एडिड बिकॉज इट इज़ रिच इन यूमस एंड इट मेक्स अ सॉइल फर्टाइल मनयूर जिनमें यूमस बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है और ये सॉइल को काफ़ी फर्टाइल कर देता है इसलिए फार्मर्स जो होते हैं वो ज़्यादा करके मनूर का ऐड करते हैं सॉयल को फर्टाइल करने के लिए तो ये चैप्टर हमारा यहाँ तक था नाव वॉट यू हैव टू डू इज यू विल डू एक्सरसाइज ए Be and do and learn activity by yourself. Till the time, have a nice day and take care.